आइए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कोकोनट शक्कर पारा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, ये 6 टेबलस्पून शुगर है, 6 टेबलस्पून पानी है, 6 टेबलस्पून ऑयल है, 2 टेबलस्पून डेसिनेटेड कोकोनट पाउडर है, 1 टीस्पून सौंफ है और ये 4 इलायची के दाने निकाल के मैंने क्रश कर लिए हैं। मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। इसके साथ ही जो ये पानी रखा है मैंने वो भी डाल दूंगी और जो ये इलायची है वो भी डाल दूंगी और चीनी को पिघलने दूंगी। चीनी जब घुल जाएगी तब इससे हम आटे को गूंथेंगे। देखिए चीनी घुल चुकी है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। आप इसे चाहे तो होल व्हीट के साथ भी बना सकते हैं या फिर आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा करके मैं इसमें तेल मिलाऊंगी। देखिए चाशनी जो है तैयार है और ठंडी भी हो गई है। अब मैं इसमें जो तेल रखा है मैंने वो मिला दूंगी। इसके बाद इसी से हम आटे को गूंथेंगे। ये मैदा है, इसमें मैं सौंफ मिलाऊंगी और जो कोकोनट रखा है मैंने वो भी ऐड करूंगी। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो ये शुगर सिरप और ऑयल जो मिला के रेडी किया है इससे हम आटा गूंथ लेंगे। एक ही बार में सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए आटा हमारा गूंथ के तैयार है। एकदम मैंने टाइट डो नहीं तैयार किया है, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए हाथ से ये दब जा रहा है। अब हम इसको 5 मिनट छोड़ देंगे और ये थोड़ी सी जो चाशनी है और ये जो ऑयल का जो प्रिपरेशन है थोड़ा बच गया है तो इसमें मैं होल व्हीट फ्लावर को थोड़ा ऐड कर दूंगी अलग से, तो हम होल व्हीट शक्कर पारा भी तैयार कर लेंगे। देखिए 1 कटोरी आटा मैं इसमें डाल रही हूँ, ये गेहूं का आटा है। हम इसको भी गूंथ लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा भी मैदा ऐड नहीं किया है। देखिए कढ़ाई जो है मैंने चढ़ा दिया है और इसमें तेल भी डाला है गर्म होने के लिए। और उसके बाद हम शक्कर पारे बेल लेते हैं, बेल के उसको कट कर लेते हैं। लेंगे ज्यादा पतला हम नहीं बेलेंगे। देखिए मैं अब दिख रखने वाली हूँ। अब मैं इसके किनारे जो है नाइफ से कट करके निकाल दूंगी, ये अनइवन है। हम इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, मैं इसको स्क्वायर ही रखूंगी। देखिए शक्कर पारा मैंने काट लिया है और देखिए इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी। तो हम इसको तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको हम फ्राई होने देंगे, फिर सेक लेंगे एक साइड से, फिर दूसरी साइड से पलट के पका लेंगे। तब तक हम बाकी के जो शक्कर पारे हैं हम बेल लेते हैं। हम इसको थोड़ा पलट लेंगे और पलट के दूसरी साइड से भी पकने देंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है तो फ्लेम हम लो ही रखेंगे। ये शक्कर पारे खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं। देखिए शक्कर पारे जो है फ्राई हो गए हैं, उनको प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मैंने कोकोनट भी मिलाया है और इसको थोड़ा बेलना टफ है तो इसको बहुत सावधानी के साथ बेलेंगे आराम से ताकि ये टूटे ना।
ये दूसरे शक्करपारे से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसमें कोकोनट ऐड किया है, लेकिन खाने में काफी टेस्टी है ये। और दिवाली का सीजन है तो सबके घरों में नाश्ते आजकल बन ही रहे होंगे, मठरिया बन रही होंगी, नमक पारे बन रहे होंगे, शक्कर पारे बन रहे होंगे। आप इसको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, काफी लंबे टाइम तक रहता है, खराब नहीं होता है। इसको भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और जो गेहूं वाला हमने बना के रखा था आटा वो भी बेल लेंगे और उसको भी कट कर लेंगे। ये गेहूं के आटे वाला शक्कर पारा है, इसको मैं बेल रही हूँ। ये जो साइड अनइवन दिख रही है इसको हम नाइफ से कट करके निकाल लेंगे। इसको भी हम थिकनेस उतना ही रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। नाइफ से कट करने से जो साइज है किनारे जो है इसके बराबर हो जाते हैं और शेप अच्छा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा भी मैदा ऐड नहीं किया है, जो मेरी चाशनी बन गई थी मैंने सोचा आपको होल व्हीट का भी बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये भी मैंने तैयार कर लिए हैं, इसको भी मैंने सेम थिकनेस दी है, ज्यादा पतला नहीं किया है और ज्यादा मोटा भी नहीं है। देखिए गेहूं वाले शक्कर पारे भी बनके तैयार हो गए हैं, मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी। ये खाने में बहुत ही खस्ता है, काफी स्वादिष्ट बने हैं। शक्कर पारे बनके तैयार हो गए हैं, ये वाले जो है मैदे के शक्कर पारे हैं और ये वाला होल व्हीट यानी कि गेहूं के आटे के शक्कर पारे हैं, दोनों बनके तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।